इंग्रेडिएंट्स दे सकते हैं, ये फार्म की चीजें हैं, हम लोग फार्म की चीजें ज्यादा यूज करते हैं, जिसलिए हम फार्म कम लेंगे। इसमें ये चीजें डालेंगी, पहली कस्टर्ड, दूसरी जेली, तीन तरह की जेलियां डालेंगी, उसके बाद चीनी, उसके बाद दूध, उसके बाद साबुदाना, उसके बाद सॉफ्ट क्रीम। चलिए शुरू करते हैं। पहले हमने पानी को उबाल करना है, फिर उसमें साबुदाना बनाना है, मिक्स करना है उसको, फिर उसके बाद जेली बनानी है। उसके बाद दूध को गर्म कर लें, जब दूध फुल गर्म हो जाए उसमें चीनी ऐड करें। ठंडे दूध में चीनी नहीं डालनी हमने, वरना हमारा सही नहीं बनेगा। हमने फुल दूध गर्म करना है, फिर चीनी डालनी है। फिर उसके बाद हमने दूध को मिक्स करना है अच्छी तरह, फिर उसके बाद हमने दूध साबुदाना डालना है, उसको फिर हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करके हमने उसमें जब साबुदाना और चीनी दूध में अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी, तब बारी आएगी कस्टर्ड की। हम कस्टर्ड डालेंगे गाइस। तो गाइस अब हम आहिस्ता आहिस्ता कस्टर्ड डालेंगे, हम एकदम नहीं डालेंगे। कभी कभी कस्टर्ड ठीक होता है, जिसकी वजह से सारा ख़राब हो जाता है, इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता करके डालेंगे। फिर हम उसको अच्छी तरह, जितना अच्छी तरह हो सकता है, सारा मिक्स करेंगे। तो गाइस आप लोगों ने नॉन स्टॉप मिक्स करना है बस। तो गाइस जब हम इसको मिक्स कर रहे हैं, तो आप लोग जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ये कितना गाढ़ा हो गया है। और हम अब इसको इतना इसलिए मिक्स करते हैं कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो गाइस जब ये बिल्कुल रेडी हो गया, अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और उतनी देर हम जेली बनाएंगे। पहले पानी को गर्म करके उसमें जेली डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स करना है अच्छी तरह। फिर उसको कोली में डाल देना, पाइप 2-3 मिनट के लिए रखना है, फिर उसको फ्रिज में रख देना है। इस तरह ही बाकी सारी जालियों के साथ भी करना है। तो गाइस आप लोग बताएं आपको जाली का फ्लेवर कौन सा है फेवरेट। मेरे तो ये तीन पसंद है, मैं इसलिए ये तीन यूज़ करता हूँ। हमारी अभी जाली बन चुकी है, अभी हम इसको कच 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 करेंगे। तो गाइस अब हमने जाली को क्यूज़ में कट कर लिया है, अब हम इसको कस्टर्ड में डालेंगे। तो गाइस हमने जालियों को पहले ही बना लिया था और उनको रेडी कर लिया था कि कपाल में हमने कस्टर्ड में डाली ठंडी हो जाए। फिर हमने इसमें सॉफ्ट क्रीम डाली, थोड़ा सा दूध का टेम्परेचर आ गया तो हमने सॉफ्ट क्रीम डाल दी और उसके मिक्स करके हमने उसको उसके अंदर जाली भी डाल दी। फिर हमारा ये रिज़ल्ट आया। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, वो खाने के लिए बहुत अच्छा है, मज़ेदार भी होता है और आप इसको ईद में भी बना सकते। बाय बाय मिलते हैं हम।